इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमेरो 4। ये इक्विवेलेंट वेट जो है ये क्या है, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल है उससे हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट में, और जो वैल्यू आता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पे कैमेनो 4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और हाईली कंसंट्रेटेड कैमेनो 4 में भी ये डिसाइड करता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कितने नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और हाईली कंसंट्रेटेड चारों में है। अब यहां पे रिएक्शन जो है सब में अलग अलग है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी पर मॉलिक्यूल अलग है और m बाय n फैक्टर भी अलग अलग है, कहीं m बाय 5 है, कहीं m बाय 3 है, कहीं m बाय 1 है, और आपके ऑप्शंस ऐसे ही रहेंगे कि m बाय 1, m बाय 3, m बाय 5, m बाय 6, और आपको चूज करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला कंडीशन है इन एसिडिक मीडियम, तो पहले हम लेंगे इन एसिडिक मीडियम और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। तो यहां पे देखिए पोटेशियम पर मैंगनेट ये लिया हमने और ये जो है H2SO4 है, ये H2SO4 डायलूट है एसिडिक मीडियम, इसलिए हमने डायलूट H2SO4 लिया है। यहां पे K2SO4, 2MnSO4 प्लस 3H2O एंड प्लस 5O, ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब पोटेशियम 2, Mn भी 2 है, यहां पे 2 हो जाएगा, सल्फेट देखिए यहां से 2 है 1, 3, तो ये हो जाएगा, तो इसलिए 3H2O प्लस 5O हो गया। अब यहां पे हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये देखिए KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 7 और MnSO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 2। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उनका टोटल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट साइड में कितना निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है, लेकिन एटम कितने हैं Mn के, 2, तो ये टोटल जो हो गया प्लस 14। राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट MnSO4 में है प्लस 2 और बैलेंस इक्वेशन है तो नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर होने ही है, ये हो जाएगा प्लस 4। तो बताइए प्लस 14 से यदि प्लस 4 हुआ तो डिक्रीज, अब यहां तो चेंज हमें चाहिए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज्ड बाय, ये हो जाएगा 10। अब बताइए ये जो चेंज है कितने मॉलिक्यूल के लिए है, 2 मॉलिक्यूल के लिए है, तो यहां पे लिखेंगे फॉर 2 मॉलिक्यूल्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है 10। तो बताइए सिंगल मॉलिक्यूल क्या होगा, क्योंकि एन फैक्टर तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल है, तो पर मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया 10/2, ये हो जाएगा आपका 5। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा एन फैक्टर, देयरफॉर एन फैक्टर इज 5। तब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 और सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अभी बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 158, तो यहां पे 158 कैसे आता है, यहां पे देखिए KMnO4 ये जो है 39.139 लीजिए, ये जो है 55 प्लस ऐसा ले लीजिए, अब ये 158 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एन फैक्टर हमारे पास 5, तो ये देखिए तो यहां पे 31.6 जो है ये इसका इक्विवेलेंट वेट आता है, इसको चेक कर लीजिए आप, यस। इसी तरह से हम बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और हाईली कंसंट्रेटेड में भी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन था, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हमने, टोटल चेंज 10 था,
पर मॉलिक्यूल 5 था, ये हमारा एंड फैक्टर हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट KmlO4 का m डिवाइडेड बाय एंड फैक्टर 31.6। तो यहां पे वैल्यू आ गया m डिवाइडेड बाय 5। उसी तरह से ये बाकी का भी हम कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे m डिवाइडेड बाय, आखिर है कितना, नोट कीजिए इसको। अब एल्कलाइन मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, रिएक्शन एक ही होता है और उस रिएक्शन में भी एंड फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पे देखिए KmNO4 है, जब ये एल्कलाइन है हल्का सा या फिर न्यूट्रल है तो यहां पे रिएक्शन वाटर के साथ ही होता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं KOH प्लस MnO2 और यहां से नेसेंट ऑक्सीजन आ जाता है KmNO। अब ये देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, 1, 3 और 3, 6, 4। तो यहां पे ये हम 2 ले लेंगे, तो ये देखिए 2K हो गया, 2Mn हो गया। अब यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस हो गया, 8 और 1, 9 ऑक्सीजन है, तो 2, 4, 6 और 3, 9, ये टोटल 9 हो गए। अब यहां पे ये प्लस 7 है और MnO2 भी कितना है, प्लस 4 है। तो फिर वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालेंगे। अब KmnO4 में हम Mn का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि K और ऑक्सीजन तो वैसे ही है, तो जिसका चेंज हो रहा है वो हम ले रहे हैं। तो Mn का लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और एटम्स यहां पे 2 हैं, तो टोटल 14 हो गया। उसी तरह से जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो यहां पे प्लस 4 है और 2 एटम है, तो प्लस 4 इंटू 2 एटम ये हो जाएगा प्लस 8, ये हो गया प्लस 8। तो बताइए प्लस 14 से प्लस 8 हो गया तो कितना चेंज हो गया, 3, डिक्रीज्ड बाय 3। तो यहां पे हम लिखेंगे डिक्रीज्ड बाय 6। अब एंड फैक्टर क्या है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमें तो पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है। तो बताइए डिक्रीज्ड बाय 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय 6। अब ये बताइए यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, ये KmnO4 प्लस 7 वाला जो है ये कितना है, 2 है, तो यहां लिखेंगे फॉर 2 मॉलिक्यूल्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। तो एन फैक्टर के लिए पर मोल निकालते हैं हम, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, ये आ गया 3। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ KmnO4 जब लेना है तो m डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला है, 158। तो 158 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 52.6। तो एसिडिक मीडियम में अलग वैल्यू था और यहां पे न्यूट्रल हो चाहे बेसिक हो ये हो गया 52.6। तो यहां पे एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में यहां लिख देंगे हम m डिवाइडेड बाय 3। अब लास्ट बचा है इन हाईली कंसेंट्रेटेड KmnO4, इसको नोट कीजिए, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं KmnO4 का, जब हाईली कंसेंट्रेटेड KmnO4 लिया गया है एल्कलाइन मीडियम में, सबसे पहले ये जो है रेयरली ही ये कॉम्बिनेशन यूज होता है, जनरली हम डायलूट एसिड या फिर एल्कलाइन में या न्यूट्रल में हम लेते हैं KmnO4। लेकिन जब ये बेसिक हो लेकिन हाईली कंसेंट्रेटेड KmnO4 तो यहां पे प्रैक्टिकल यूज कम है, लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट वेट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शंस क्या होंगे, KmnO4 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ये कंसेंट्रेटेड है तो ये हो जाएगा K2MnO4, यहां पे ये हो जाएगा K2MnO4। इसके बाद आपको H2O प्लस, तो यहां पे हम ऐसा करते हैं 2 टाइम्स ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये देखिए, और इसके साथ H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, पोटेशियम 2N2O4 बैलेंस है, Mn 2 बार है बैलेंस है, हाइड्रोजन यहां से 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन देखते हैं 8N2O10, तो ये 8 हो गया, 9 और 1, 10 हो गया। अभी आपने देखा कि एसिडिक मीडियम में 5O नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, सेकेंड कंडीशन था न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम, वहां पे 3 होता था, और जब हाईली कंसेंट्रेटेड KmnO4 KOH में लिया गया है तो वहां पे 1 है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट
देखेंगे ये प्लस सेवन है और ये पोटेशियम मैंगनेट है जहां पे ये सिक्स है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं Mn का कैसे चेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सेवन इंटू दो एटम है तो ये प्लस फोर्टीन आ गया और उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए प्लस सिक्स है और एटम दो है तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टू। ये जो है टू का जो है डिफरेंस आ रहा है तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो गया तो यहां डिक्रीज्ड बाय टू आ गया। अभी बताइए कितने मॉलिक्यूल के लिए है, दो मॉलिक्यूल के लिए। तो एन फैक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो यहां लिखेंगे फॉर टू मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू टू। तो यहां पे हमें एक के लिए निकालना है, देयरफॉर एक के लिए कितना हो जाएगा ये वन। अब यही हमारा एन फैक्टर है, देयरफॉर एन फैक्टर इज वन। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट केएनएनओ4 का कितना आएगा, ये आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय वन, इसका मतलब हो गया 158। तो अब यहां पे हम लिख देंगे वैल्यू। सबसे पहले देखिए यहां पे एम डिवाइडेड बाय 5 है, यहां पे एम डिवाइडेड बाय 3 है, यहां पे भी एम डिवाइडेड बाय 3 और हाईली कंसेंट्रेटेड में है एम डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पे 31.6 इसका 158 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है ये देखिए 158 डिवाइडेड बाय ये था और ये 158 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया था 52.6 और ये हो गया 158। ये बिल्कुल क्लियर है ये। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में एक जैसे ही है और ये हो गया हाईली कंसेंट्रेटेड में 158। एक्सेप्शनली ये जो है यूज होता है, वैसे ये इन जनरल यूज नहीं होता है। तो ये सारे जो है आपके इक्विवेलेंट वेट KNNO4 से रिलेटेड क्वेश्चन है, या तो वैल्यूज में क्वेश्चन आएंगे या तो एम बाय समथिंग में आएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपका रिडॉक्स में भी आता है और डी ब्लॉक और KNNO4 में तो है ही। इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें पूछा जाएगा कि पर मोल KNNO4 कितना KOH यूज हुआ, पर मोल KNNO4 कितना जो है H2SO4 यूज हुआ। तो स्टोइकोमेट्रिक के कंपाउंड्स क्वेश्चन जो है वो इस तरह से यहां पे भी डिस्कशन हो सकता है। तो इसको अपलोड कीजिए।